आज होली का दूसरा दिन है और हम अपने गांव में हैं और अभी जा रहे हैं। हम एक फ्रेंड है हमारा, उससे मुलाकात करने जा रहे हैं। होली की पार्टी उसने दी है और रास्ते में हमें एक खेत मिला है, सरसों का खेत है जिसको कटा हुआ पड़ा है। और उसमें मेरे इस एक ये मित्र हैं, इनको इस खेत में जैसे वो होते हैं ना, क्या डिस्कवरी पे आपने देखा होगा, डिस्कवरी पे जो डिस्कवरी मैन होता है वो हर चीज़ पे नज़र रखता है कि कौन सा कीड़ा मिला वो खा लेगा, कौन सी चीज़ उसको दिखाई दी। इन भाई साहब को इस खेत में मुकैया दिखाई दी, हमारे देहाती लैंग्वेज में एक कोई पौधा होता है उसको मुकैया बोलते हैं। तो ये भाई साहब इसको तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। गाँव देहात का यही एक नेचुरल चीज़ है जहाँ पे इस तरह की आपको बातें देखने को और सुनने को मिलेंगी। चलिए मैं आपको मुकैया दिखाता हूँ होती कैसी है। ये है, इनको बोलते हैं मुकैया। ये देखिए, ये टेस्टी भी होती है, मीठी होती है काफ़ी। बट जो हरी मुकैया होती है उसको नहीं खाते हैं, उसको नहीं खा सकते। खा सकते हैं बट इतनी टेस्टी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी। और ये होती है ब्लैक मुकैया, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये देखिए, थोड़ी सी मुकैया मैंने भी तोड़ ली है और मैं इनको खा के देखता हूँ और बताता हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा लगेगा। शायद मैं बचपन में कभी मैंने खाई होंगी और अब जाके इन भाई साहब की बदौलत ये टेस्ट करने को मिल रहा है। मुझे दे रिपोर्टिंग, बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत बचपन की यादें ताज़ा हो गई। यह है मिस्टर महेश कुमार और ये के मुकैया खा रहे हैं और बहुत ही खुरापाती हैं ये आदमी। मैं खाते नहीं, मुकैया देखे मन आ गया। और ये एक ऐसा फल है जिसको हम किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी खेत वाले से कहीं भी आप चले जाओ खा सकते हो आराम से, और कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये एक औषधि भी मानी जाती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी है, इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे क्या सब खाते हैं, जिसको भी दवा मिल जाता है ना छोड़ता नहीं है, कोई भी बड़ा हो बच्चा कोई भी हो, बहुत फ्रेश और साफ और सुथरी होती है। चलो तब तक मैं थोड़ी और मुकैया तोड़ तोड़ के खा लेता हूँ, कौन से मुझसे पैसे लग रहे हैं। और अरे यहाँ तो इतनी है, सिर्फ खाई नहीं ना। फिर से मैंने थोड़ी सी मुकैया तोड़ ली हैं, ये देख लीजिए। और अब मैं इनको फिर से खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भी अब अच्छा लग रहा है, अच्छे टेस्ट है इसके अंदर। काली हैं, पकी हुई हैं, काफ़ी अच्छी हैं। अरे यार मैं तो इन भाई साहब को भी ब्लॉग शूट करने का काफ़ी शौक है। इनका चैनल है घुमक्कड़ बाबू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका चैनल तो देखना ही मत, पहले सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद देखना, क्योंकि हो सकता है देखने के बाद तुम्हें ये लगे कि यार दो बार सब्सक्राइब करने का मौका मिलता। अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है मैं कहाँ आ गया, गलत जगह आ गया। और दूसरी बात, ये घुमक्कड़ बाबू ही है क्योंकि हम तो जा ही रहे थे रोड से निकल के, खेत तो बहुत पड़ते हैं रास्ते में, हम तो बस खेतों में ही रहते हैं, बट नजर इनकी पड़ी बाज की तरह कि यहाँ इस खेत में मुकैया है, यहाँ मुकैया खानी है। और बहुत सारी हैं, इतनी लग रही है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, और कहाँ हो सकता है कि ये एक पोल्ट्री भी यहाँ से बांध के ले जाए और घर सबको खिलाएं और खुद भी खाएं नाश्ते में। अभी हम जिस खेत में खड़े होकर मुकैया खा रहे हैं और मुकैया का मजा ले रहे हैं, उस खेत में एक आम का पेड़ भी है, देखिए ये।
और इस आम के पेड़ में आप देखिएगा इतना बौर आया है, बेहिसाब बौर आया है। इसका मतलब यह है इसमें बेहिसाब आम आएगा, बहुत मीठा और रसीला आम होगा। इस बाग का नज़ारा मैं आपको थोड़ा नज़दीक सामने से करा देता हूँ। इस पेड़ पर जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं इसको बौर बोलते हैं, इस पर आम आएगा और अगले 1-2 महीने के अंदर इसमें आम आना शुरू हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा जिस पेड़ पर बौर होता है, फूल जो लगे होते हैं, उतना ही उस पर आम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मकइयाँ खाइए, मकइयाँ खाने के बाद चलिए हाथ धो लेते हैं, हाथ चिपक रहे हैं, बहुत मीठी मीठी मकइयाँ थी। चलो भाई नल चलाना, मकइयाँ काफ़ी खा ली थी और हाथ बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं, मीठी मीठी मकइयाँ थी तो नल मिला रास्ते में, तो हम हाथ को धो लेते हैं क्योंकि हमें कोरोना वायरस का भी ख्याल रखना है। अरे क्यों नहीं चल रहा है हम? ये देखिए आ चुके हैं मिस्टर पवन के यहाँ पे, यहाँ पे आना था हमें और कितना लंबा सफर तय किया है हमने, और ये भाई साहब अपनी कुर्सी से हिलते नहीं है बिल्कुल भी, शर्म आनी चाहिए। ओह माय गॉड, हैप्पी होली बोलिए हमारे सब्सक्राइबर्स को। हैप्पी होली नेता हो क्या? ऐसे करेंगे हैप्पी होली। अरे पुच्चा बदली पुच्चा बदली, अरे झूठा कर दिया तुमने, शादी ना हुई है अभी ये भैया। हाँ इनकी शादी ना हुई है, इनकी शादी करा दो तो बताओ। ये होली पे इजीली आए, 3 दिन की छुट्टियां लेके, कि 3 दिन इनको शादी करके जाना है। यार भाई साहब के ऑफिस में ये रेड कलर का बैकग्राउंड काफी इम्प्रेसिव है यार, उसकी तरह क्या गिरा वो क्या था, DTDC के बैकग्राउंड की तरह। ये देखिए पवन साहब का नाश्ता आ चुका है। ये भाई साहब है, इतनी मेहमान नवाजी करते हैं, ऐसी कोई मोहब्बत वाला होना चाहिए होली के पर्व अवसर पर। हाँ हाँ ऑलमंड, इनको क्या बोलते हैं भाई? मुनक्का। ये है होली की पहचान, गुजिया। एम आई राइट? ये है गिलास, बट अभी खाली है, कुछ देर के बाद देखते हैं क्या होगा इसमें। रहने वाला है गिलास। राजी श्रीवास्तव है ना, तो किसी पार्टी में जब कैमरा वाले तैयार रहते हैं, माने क्या खाने ना दे, कैसे जी खाने ना दे, वो क्या है ना, मैंने सोचा कि क्लियर कर लूं। एक्चुअली रोज सुबह मैं ये नाश्ते में लेता हूँ और इत्तेफाक से यहाँ पर भी ये मिला है, और मुनक्के और बादाम का एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है खाते हुए। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली। ये नमकीन भी खिला रहे हैं भाई साहब, नमकीन भी बहुत अच्छी है। हे फ्रेंड्स के घर से हम वापस आ चुके हैं। होली के इस खूबसूरत मौके पर बहुत सारा खाना पीना हुआ, घूमना फिरना हुआ। आज के इस नफरत भरे जमाने में हम तीन लोगों ने मोहब्बत को इस तरीके से बांटा कि नफरत शर्मा कर चली गई। पूरा दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत खाया पिया। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी खूबसूरत और अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एक्चुअली क्या है कि पवन के घर जाने का प्लान तो हमारा कल से ही था, और उसके घर पे हमें सुबह 8 बजे पहुंचना था, लेकिन हम बहुत लेट हो गए महेश की वजह से और पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जब मैं महेश को पिकअप करने गया तो भाई साहब अभी तक रेडी नहीं थे, और जब मैंने उसको उठाया तो फिर वो नहाया, नहाने के बाद फिर वो रेडी हुआ, तब हम यहाँ से निकले। और निकलने के बाद फिर हमें रास्ते में, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है हमने कितनी खुराफात की है और बहुत सारे
एक खेत में रुककर हमने बहुत देर तक ब्लॉग को शूट किया है और मकइयाँ खाई थी। एक्चुअली बचपन की आज यादें ताज़ा हो गई हैं और कभी कभी ये सब कर लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। कभी कभी ये सब कर लेना चाहिए, इससे करने से क्या होता है कि खुशी मिलती है। और फिर हम बाद में जाके पवन के घर पे पहुंच पाए थे, आई थिंक 11 बजे 11:30 बजे समथिंग। तो फिर हम वहां से वापस लौटे हैं 3 बजे, घर पर आ गए थे 3:30 बजे और अब शाम हो चुकी है। तो मैं अब ये वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।